अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बना रही हूँ स्टू जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए गोश्त, प्याज, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, दही, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, साबुत मिर्चें और नमक। सबसे पहले देखती के अंदर मैं डालूंगी गोश्त, उसके बाद ऐड करूंगी प्याज, अब मैं डालूंगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन, दोनों डाल दूंगी। साबुत गरम मसाला ऐड करना है, साबुत मिर्ची ऐड करनी है, नमक ऐड करना है और पिसा हुआ धनिया ऐड करना है। इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। 10 से 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और हमारा गोश्त भी गल चुका है और मैं इसको मिक्स कर लूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अब इसके अंदर ऐड करूंगी तेल। इसको मिक्स कर लूंगी। इसके अंदर ऐड करूंगी मैं दही। दही ऐड करने के बाद मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनूंगी और यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा स्टू हो गया, बहुत अच्छे से भुन गया है यहाँ पे। इसको अच्छे से भुनने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी जब तक ऑयल ना आ जाए। और यहाँ 5 से 10 मिनट मेरे यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल आ चुका है और स्टू हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। यहाँ पे मेरा स्टू बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।